सो व्हाट्सअप गाइज, आई एम बैक विद माई न्यू व्लॉग। एंड आज के व्लॉग में हमने जाना कहाँ है ये मेरे को भी नहीं पता, बट जाना बहुत दूर है। एंड फॉर द सेफ्टी तो पहले ही हम पेंचर पुंचर लगवा लें। द प्लेस इज कॉल्ड सेंच। सेंच जा रहे हैं हम, सेंच। भाई कितनी दूर है यहाँ से? 12 to 13 hours दूर है, और वो भी पहाड़ों में। सेंच। और जा हम रहे हैं अपने भाई के, हमारे दोस्त के ब्याह पे, शादी पे जा रहे हैं। शादी ब्रो, शादी। तो हम जा रहे हैं सेंच। भाई, भाई ये भाई हमारे साथ जाएंगे, बट ये भाई का शादी नहीं है। ये होता है गाइस पड़ाकू बंदों का रूम, आईएएस की। भाई आईएएस की तैयारी कर रहे हो? ज्यूडिशरी प्लस आईएएस प्लस एसएस। ओके, क्या देख क्या रहा है भाई तू? क्यों समझ रहा है? गूगल मैप्स है ना? फिर भाई ब्याह पे कितने घंटे का रास्ता है? रास्ता है भाई 10 घंटे का। 10 घंटे का, शाबाश। जाना कहाँ है भाई? पता नहीं, सोचो। सेंचुरी। ये जो भाई है हमारा, कौन है? रवि भाई। जब हम आए थे बी ए एल एल बी फर्स्ट ईयर में, ये आए थे एल एल बी फर्स्ट ईयर में, और अब हम हो गए हैं बी ए एल एल बी फिफ्थ ईयर में, और ये निकल चुके हैं, निकल चुके हैं एल एल बी करके, और तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की। और हमारा दूसरा भाई है जो इनके साथ है, उनकी आज शादी। सो हम जा रहे हैं उनकी शादी पे, शेषुरी में। कहाँ पे? शेषुरी। कहाँ पे? सेंच। बहुत ही दूर है। भाई कैसे हो भाई? सफर में कोई परेशानी तो नहीं? हाँ भाई, मैं नहीं हूँ भाई। भाई गाइस, मैं नहीं हूँ। ये बंदा है वो, इसकी शादी हो रही है। चलो चलो भाई, टेक केयर, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। भाई इतने खुश क्यों लग रहे हो? एक्चुअली यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा, एज यू कैन सी। मैं कपड़े बदलने लगा हूँ। भाई मैं फिट हूँ बिल्कुल, नहीं काम आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। ठंड तो है ही नहीं, ठंड है। ठंड ये देख सामने क्या, ये कोहरा, कोहरा, धुआं है, धुआं, धुआं। सो एक बंदा तो हमारा मतलब कपड़े बदलने लगा। मैं पीऊंगा चाय। मैं नहीं पी रहा ना भाई। मैं, लेट्स चेंज गाइस, बहुत ठंड हो गया, लेट्स चेंज द क्लोथ्स। यस ब्रो, मैंने ठंड से ब्याह करा दी चपई सी तन्नू। ये हालो भाई, इतने ठंड में ब्याह क्यों भाई? ठंड में ब्याह अच्छा, ठंड में ब्याह अच्छा भाई। इतनी दूर क्यों? दूर ही अच्छी। भाभी को हम लेके आएंगे, जहाँ भी वो रहती है वहाँ से हम उसको लेके आएंगे, तोड़ लेंगे ताले, तोड़ लेंगे ताले। चल चाय पिलाए। अरे भाई
फोटोग्राफर। क्या कहना चाहोगे ये पीछे बैकग्राउंड के बारे में? बाय ऑसम। सो हम पहुंच गए हैं सेंच। बाय बाय। कपड़े क्यों बदले आपने? भाई कपड़े बदले ही नहीं मैंने, ये कोट पैंट अच्छा, ये ऊपर से डाल दिया मैंने। अच्छा रात का क्या सीन है? रात का तो अभी सीन बनेगा नहीं, आज कुछ है मतलब कुछ है। हाँ काफी कुछ है। जैसे जैसे कल शादी होती है आज क्या? आज क्या? जैसे यार लेडी संगीत होता है कहीं होगा। हाँ वो बॉयज संगीत है। ओके सो आज बॉय संगीत है और डायरेक्ट कल भाई की शादी डायरेक्ट। आज है 29 जून एंड शादी है रात की। सो अभी सुबह सुबह हुई है एंड हम जा रहे हैं नदी किनारे। हाउ यू आर फीलिंग? मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। इम्प्रेस्ड हो कि पहला स्टेप लिया किसी ने? हाँ कि हमारे ग्रुप में फर्स्ट बंदा जिसने घोषित कर दिया। अब इसके मोड़े पे रख के हमने सिर्फ बंदूक चलानी है। यस कि नहीं, अगर अब तो ये भी नहीं कोई बोल सकता यार, तू सबसे पहले शादी कर रहा है, पंकी की शादी और सबकी बारी है यार। यस सभी जाएंगे बारी सर। हमारी बारी बहुत लेट है, बहुत लेट। ये देख ले हमारे होटल के साथ में था ये नज़ारा। अब रास्ते में हमने ब्रेक ली है बिकॉज ये जगह ही रुकने वाली थी। शिट मैन। पंकज भाई आपकी शादी ऐसी शादी होगी जो मतलब याद रहेगी हमेशा याद। सो अब हम यहाँ पे रुके हैं एक जगह पे बिकॉज हम थक गए अब एंड अभी 20 किलोमीटर और जाना है। हाँ भाई क्या हो गया गाड़ी को? गर्म हो गया यार, मैं चलाना था ना। ओके चलना, गंदे जोक। अभी हमारी गाड़ी गर्म हो गई है बाकी। एप्पल एप्पल ही एप्पल। तू हंस रहा है? आइसिंग क्या? हाँ शाबाश। तो रात को ये बंदे का जैसे शादी है। सो पंकज भाई बताओ हाउ यू आर फीलिंग? अंदर से क्या फीलिंग आ रही है आपकी शादी है रात को, मतलब बताओ। समझ गया। शांति छैगी है। एक्चुअली गाइस मेरे पास ऑडियंस है ना, वो हिंदी भी समझती है तो पंजाबी भी समझती है, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उनके लिए। सो गाइस रात को बंदे की शादी है, रात को दिखाऊंगा। चलो क्या दिखाएगा भाई? भाई की शादी कैसे, मतलब ये शादी बहुत यूनिक शादी मतलब अब तक की मैंने देखी है। जैसे कि कल 8:30 निकले थे हम, कल 8:30 सुबह बोलना, और हाँ कल सुबह 8:30 निकले हम और मानव ही अकेला बद्दा था जो चला रहा था गाड़ी और वो आज तक चला रहा है गाड़ी। कल भी चलाता रहेगा। कल हम निकले थे तो आज हम पहुंचे हैं और जो ब्रेक ले रहे हैं हम चलाने में उसके भी, और अभी भी हमने 10 मिनट कहीं जाना है, 10 किलोमीटर कहीं जाना है रात को 10 बजे। अभी तभी हम बैठे हैं ट्रैकिंग करने, शादी करवाने जाना ट्रैकिंग करने। या तो अभी हम दिखाता हूँ कहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बागों में। ये बंदा, ये एप्पल मतलब इनके बाग है ये सारे। ओ भैया, ओ हाँ आप सही बात कर रहे थे। सो रात को मिलेंगे शादी में।
Are you ready? Yes. खड़े हो क्यों? आ जाओ खड़े हो. So guys, 10 बजे बारात जा रही है एंड ये खतरनाक रास्ता है बारात को. यही तो सुना गया. रास्ता बड़ा खतरनाक है यार. छह जानों की बारात अभी तो बाकी आ रहे हैं. भाई आप ठीक हो? बिल्कुल फिट भाई. फिट है. क्यों देखनी है गहराई? ऊपर भाई नीचे गहराई. चलो चलो संभल के. यस
बुलाओ बुलाओ पंकज ध्यान कैमरे में ही है, शादी पे ध्यान दो, शादी पे भाई की शादी सॉरी भाई करे कुछ नहीं देखो पंकज भाई की शादी विश्वास नहीं हो रहा हमें एक एक सेकंड आगे बढ़ते हुए और पंडित जी भी आगे बढ़ते हुए पंकज ये अगला स्टेप क्या होगा इसे देखने के लिए देखते रहो पंकज तलवार जैसा पीछे पता नहीं कौन है बंदर जैसा वो वाला बंदा वो हरे हार वाला पता नहीं कौन वो हरे हार वाला वो ये वकीलों की बहुत सोच क्या रहा है ऊपर क्या देख रहा भाई तारे गिन रहा है भाई जब जब शादी होगी कल ख़त्म लाइक 2 बजे मेरी बैटरी कैमरे की ख़त्म होगी नहीं तो पूरा ही दिखाना था मैंने लाइक 4 बजे फेरे पूरे सब खत्म हुए एंड भाई मज़ा आया कल ठीक ठाक नहीं पूरा मानना भाई वो बात बता सबसे बेस्ट पार्ट ट्रैकिंग वाला था ना तैयार होकर ट्रैकिंग करके ऐसी शादी कभी नहीं देखी फुल ऑन तैयार एंड ट्रैकिंग ऊपर जाके शादी जहाँ पे पूरा हिमाचली कल्चर वेरी डिफरेंट एंड दूल्हा कैसे आता है ये बता दूल्हा को ट्रैकिंग करके पालकी में लेके आया मतलब ऑलमोस्ट गिर गया था इतना वेट है ना उसके अंदर 80 किलो दूल्हे के साथ एक और बंदा बैठा और नेक्स्ट हमारा शादी वाला ब्लॉग भी जल्दी आएगा सॉरी नहीं इसका जल्दी हो जाएगा पैदा भी हुआ है सो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ घूमने जाए अगली बार एंड डू सब्सक्राइब डू लाइक डू शेयर एंड डू चातू टोना ओके गाइस बाय बाय वाचिंग दिस न्यू चैनल ये बाय बाय